धन्यवाद रंजीत सिंह करी मैं चाहूंगा आप लोगों के पार्टी के नेता है श्री जयंत जिज्ञासु जी राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल श्री जयंत जिज्ञासु जी राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल से मैं निवेदन करना चाहूंगा क्या भाव है और अपने विचार को रखे जयंत जिज्ञासु जी इस देश के निर्णायक मोड़ पर चल रही ऐतिहासिक न्याय यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सूत्रधार और इस देश के भविष्य राहुल गांधी जी नए बिहार की रचना के अग्रदूत आप सबकी आशाओं के पूरक बिहार के आम आवाम की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले यशस्वी नेता और बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को देखने सुनने के लिए आप यहां पर उमड़े हैं। इस सभा में मौजूद रामगढ़ के लोकप्रिय वो विद्वान विधायक भाई सुधाकर सिंह जी, मोहनिया की विधायक श्रीमती संगीता जी, जहानाबाद के जुझारू और मकबूल विधायक भाई सुदय जी, युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष भाई राजेश जी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संतोष जी, महागठबंधन में विधान परिषद के उम्मीदवार रहे भाई पुनीत सिंह जी और इंडिया के सभी घटक दल के सभी प्रमुख नेतागण, नौजवान साथी, हमारी महिला अभिभावकों, किसानों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, हमारा देश शुरू से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता रहा है, किसानी और पशुपालन, और आप सब लोग संस्कृति से जुड़े हुए हैं। चौधरी चरण सिंह जी का देश है, रावय आजम दीनबंधु सर छोटू राम का देश है, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का देश है, चौधरी चरण सिंह जी, ताऊ देवीलाल जी, महेंद्र सिंह शिकायत जी का देश है हिंदुस्तान, और जो चरण सिंह कहते थे हिंदुस्तान की खुशहाली का रास्ता यहाँ के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, उन खेतों और खलिहानों को स्मशान बना के ये भीषण भोगवत ने छोड़ दिया है। आपसे अपील करना है कि ये न्याय ही नहीं संपूर्ण न्याय का समय है, जो हमारे महबूब नेता मोहतरम लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय का संकल्प करके दिखाया और उसको धरती पर उतारने का काम किया, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए राजनीतिक न्याय से आगे ले जाते हुए तेजस्वी जी ने आर्थिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय, लैंगिक न्याय और जलवायु न्याय को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए। यह चुनाव बहुत नजदीक है और दिलों को जोड़ने का काम उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आपको किसी को कोसना नहीं है, जिन लोगों ने भी धोखाधड़ी किया है जनता के विश्वास के साथ, हम लोगों के वचन के साथ, उनका हिसाब तो जनता की अदालत में होगा, लेकिन 17 महीने का जो ऐतिहासिक काम है तेजस्वी जी का, अलग अलग विभागों के मंत्रियों का, उसको जनता को बताना है। दुनिया के किसी भी देश के किसी भी सूबे में 1 साल के अंदर 4.5 लाख नौकरी देने का रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ बिहार ने बनाया है और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। 70 दिन के अंदर 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के जरिए किया गया। पहली बार 1994 में 25,000 शिक्षक बहाल हुए लालू जी के समय में, और उसके बाद तो डिग्री लाओ नौकरी पाओ झाल मुड़ी की तरह, लेकिन वो लोग भी टीजी पास करके आए थे, सक्षमता परीक्षा लेके आए, दक्षता परीक्षा की बात ये कर रहे हैं। दुनिया में पहली बार देखा गया है कि सक्षम लोग, प्रशिक्षित लोग दक्ष नहीं है, वो आज सड़कों पर उतरे हुए। तो गरीबों के बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे उनकी तकदीर को संवारने का काम तेजस्वी जी ने किया। इस बात को बताना है कि 1,35,000 नए पद सृजित करके गांव देहात में डॉक्टरों की व्यवस्था,
मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करने का काम तेजस्वी ने किया, लेकिन उनकी लोकप्रियता से घबरा कर कुछ लोग इधर से उधर हो गए। ये इलाका किसानों का है और आप जानते हैं कि मिथकों में भी बलराम हल चलाते थे, कृष्ण गाय चढ़ाते थे और उसी से देश बनता है जगदा बाबू का, सजीरा बाबू का इलाका। और हम 19 के लोकसभा चुनाव में भी आए थे दिनारा और लोगों के मुंह से सुना कि जब तक ये उधान रहेगा जगदा जी का नाम रहेगा। तो यहाँ के लोग, मिट्टी से जुड़े हुए लोग इस बात को बताएंगे कि जिस सरकार ने आने वाली सेविका, सहायिका, पंचायत प्रतिनिधि, तालीमी मरकज, 16 से बक्सर का मानदेय बढ़ाया, वो 17 महीने की सरकार को जिन लोगों ने काल कब्जित कराया है उनका हिसाब लेना है। और आप जान रहे हैं कि झारखंड में, बंगाल में, दिल्ली में, पंजाब में, तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में, इतने सूबे में तो आपकी हुकूमत है और बिहार मजबूत प्रतिरोध की धरती रही है। इसको उखाड़ के नरेंद्र मोदी की सरकार को बंगाल की खाई में फेंकना है। इसी संकल्प के साथ आप सभी साथियों को एक बार फिर से एकजुट रहने का आह्वान करते हुए, ये चुनाव बहुत नजदीक है, अपने अपने बूथ पर जाना है, जिनकी उम्र 18 साल हो गई उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना है, जिनका नाम उड़ाने वाले ये डकैत निशाचर लोग बैठे हुए हैं उनसे सावधान रह के उनके नाम को वोटर लिस्ट से गायब नहीं होने देना है। आप उत्तर प्रदेश का चुनाव आपको याद है, एक बूथ से 40 वोटर को उड़ा दिया, अगर 200 बूथ है एक विधानसभा में 8000 वोटर कैसे गायब हो गए। हमको मतों की रखवाली भी करना है, जगदा बाबू का भी निर्देश है कि प्रशिक्षित लोग ही काउंटिंग हॉल में जाएंगे, नहीं तो फिर आप जान रहे कैसे सुधाकर भाई के साथ धोखाधड़ी हो रही थी। तो इसलिए हम लोग भाषण तो कर ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ बूथ को मजबूत करेंगे, बूथ आप जीतेंगे तो देश जीतेंगे, इसी संकल्प को दोहराते हुए राहुल गांधी जी का इस्लामाबाद की धरती में धरती पर इस्तकबाल करते हुए और तेजस्वी यादव जी को उनके ऐतिहासिक काम के लिए धन्यवाद देते हुए कि 2 से 3 से 5 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को देने का काम किया, देश में 1931 के बाद पहली बार जातिवार जनगणना कराई। और आप जानते हैं कि कर्पूरी जी ने अति पिछड़ों को जो 12% आरक्षण दिया उसको बढ़ा के 14% लालू जी ने, 18% रावी जी ने और 25% तेजस्वी जी ने किया। वही पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाकर 18% किया, दलितों का 16% से बढ़ाकर 20%, आदिवासियों का 1% से बढ़ाकर 2%, यही राहुल जी कह रहे हैं कि पूरे देश में हम करेंगे। तो हम सब लोग इस इंडिया ब्लॉक को मजबूत करके एक बार फिर से जैसे 2004 में सोनिया जी के साथ मिलकर लालू जी ने केंद्र में सरकार बनाई, 2024 में राहुल जी के साथ मिलकर तेजस्वी जी उसी काम को अंजाम देने रहे हैं। इसी आशा विश्वास के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। लालू सोनिया जिंदाबाद, राहुल तेजस्वी जिंदाबाद, महागठबंधन के सभी नेता जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद, आज छाप जिंदाबाद, 3 तारा जिंदाबाद, हसिया गेहूं वाली छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद और शाहबाद की जनता जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हम